अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल मनान और आप देख रहे हैं रिव्यूज बाय मनान। आज जो हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं ये है जी सुजुकी स्विफ्ट 2012 मॉडल है, मैरून कलर है। दिस इज़ फॉर सेल। गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, बॉडी की कंडीशन क्या है, टायर की कंडीशन क्या है, इंजन की कंडीशन क्या है, तो वो मैं सारी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। लेकिन जी गाड़ी के शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। तो लाइट देख लें आप इसकी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ है अपनी जेन्युइन कंडीशन में। नीचे फॉग लैंप भी इंस्टॉल है। आगे से इसका फ्रंट लुक चेक कर लें गाड़ी की सारी। ये वाली लाइट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ है। धूप में मैंने गाड़ी इसलिए खड़ी की है कि एक्चुअल जो कलर की शाइन है ना वो आपको दिखे वीडियो में। अब रिम पे आ जाते हैं जी, तो ये रिम की कंडीशन देख लें आप। टायर बिल्कुल ठीक हैं गाड़ी के, गाड़ी के टायर गर्मियाँ, नेक्स्ट गर्मियों में आई थिंक बदलने पड़े, लेकिन सर्दियों में कुछ नहीं कहेंगे। टायर कौन सा लगा हुआ है जी इसको? योकोहामा का टायर लगा हुआ है। अब इसकी साइड प्रोफाइल पे आ जाएं, तो ये भी आप पूरी एक बार देख लें। ये फेंडर इसका शावर है सिर्फ, यहाँ से गाड़ी लगी नहीं थी लेकिन बच्चों ने ना खराशें लगा दी थी, तो ये फेंडर इसका शावर है। अब डोर खोल के आपको डोर के कंडीशन दिखा दूँ अंदर से। ये देखें इसका पिलर बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल गाड़ी की वही कंडीशन होगी। गाड़ी के पिलर बिल्कुल साफ़ हैं, गाड़ी के गेट आप चेक कर लें। ये नीचे देख लें तो अक्सर गाड़ियों के गेट यहाँ से गले होते हैं, तो इसका बिल्कुल ठीक है गाड़ी। रूम आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, वन बाई वन इसका डोर दिखा दूँ आपको खोल के। ये आप पिलर भी देख लें पहले इसका। अब आ जाएं जी इसके नीचे, ये देख लें जी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी के बैक साइड भी आ जाते हैं। लाहौर नंबर है जी गाड़ी DLX 1.3। गाड़ी का बूट खोल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से कहीं से भी इसके डस्ट नहीं है, रस भी नहीं आई हुई और डस्ट भी नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी। गाड़ी की साइड पे आ जाते हैं जी, ये साइड भी देख लें आप। और इसका ये वाला पीस टच है, यहाँ से शावर है ये इतनी सी, और ये भी लगी नहीं है, यहाँ से एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ शावर है। ये वाला डोर भी देख लेते हैं जी इसका, ये भी नीचे से कहीं से गला नहीं हुआ। ये पिलर भी चेक कर लेंगे गाड़ी है। ये देख लें जी गाड़ी का बिल्कुल, ये भी डोर नीचे से देख लें, कहीं से भी गाड़ी गली नहीं है, ये देख सकते हैं आप। गाड़ी का इंजन, जो इंजन दिखा दूं आपको, ये नहीं गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है जी। गाड़ी के ये होदा चेक करें पहले आप, गाड़ी पूरी सील है अंदर से, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, कहीं से गली नहीं है, ये देख सकते हैं आप। बोनट चेक कर लें जी इसका, ये अपनी सील में है। लें जी गाड़ी की चाबी अपने हाथ में, फोल्डिंग की लगाई हुई है ऑनर ने, तो गाड़ी के रूम में चलते हैं अब। गाड़ी का रूम चेक कर लें,
गाड़ी का रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से गाड़ी का वो डैशबोर्ड ख़राब नहीं है कहीं से भी। अब इसके वो माइलेज चेक कर लें इंजन की, 1,09,837 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है। गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की कोई ट्यूनिंग शूनिंग नहीं होने वाली। सेफ्टी फीचर में आ जाएं तो इसमें एयरबैग कोई नहीं आता कंपनी की तरफ से, तो गाड़ी का एसी चेक कर लें। एसी भी चल गया है, फौरन कूलिंग, इसकी कूलिंग चल रही है, एसी वर्किंग में है जी इसका। यहाँ से भी आप देख लें गाड़ी सारी, गाड़ी की छत देख लें जी, बिल्कुल साफ से नीट एंड क्लीन। देखें जी अब गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं कि सस्पेंशन और इंजन इसका क्या कहता है। बाजार तो गाड़ी की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। इस गाड़ी की पिक बड़ी कमाल की है, स्विफ्ट कोई भी है ना उसकी पिक बहुत कमाल की है। तो अभी ये मैं खड्डों से गुजार रहा हूँ गाड़ी, तो किसी किस्म की इसमें वो आवाज़ नहीं है नीचे सस्पेंशन की। गाड़ी की पिक भी ठीक है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है किसी किस्म की। वो फैमिली यूज़ कार है, ऑनर इसकी जो प्राइस कह रहे हैं वो 16 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो मौके पे कोई कमी पेशी हो जाएगी। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रा नंबर लेके तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाड़ी की लोकेशन फैसलाबाद है, जिस भाई ने देखनी हो वो मुझसे रब्ता कर लें जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की बजट कार में आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा। तो जिस भाई को ये गाड़ी पसंद हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उठा के मुझे रब्ता कर लें, फैसलाबाद लोकेशन है इसकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक गुड केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।